ठीक है, तो देखा जाए अगर, तो ये डिस्टेंस कितना है, यह है 100 mm है, ये कितना है 200 mm, और ये कितना है 400 mm है। जो डॉटेड लाइन आपने बनाया था उसको हटा देंगे, वो केवल इसलिए था आपके जानकारी के लिए कि यहाँ पर हमें कर्टेल्ड लाइन है, यहाँ पर हमें स्पेसिंग को चेंज करना है, ठीक है, उसको आप हटा देंगे, उसे इरेज कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका एलिवेशन भी कंप्लीट हुआ। एक काम और करेंगे आप, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसका स्पेसिंग सेम रहेगा, यही स्पेसिंग आप ले लेंगे 16 mm डाया का, 16 mm डाया का, 200 mm के स्पेसिंग पे पूरा ऊपर तक आप डाल देंगे इसे। और इसको आप कहीं भी लिख लेंगे क्योंकि इसका पूरे हाइट में सेम स्पेसिंग यूज किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार 16 mm डाया एट द रेट ऑफ 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये। इस प्रकार आपका ये रिटेनिंग वॉल कंप्लीट हुआ, ये इसका क्रॉस सेक्शन था और इसका बैक एलिवेशन था। इस एलिवेशन में मैंने केवल इस मेन बार का जो प्रोवाइड किया है मैंने, बस उसको यहाँ पे शो किया हुआ है कि किस प्रकार से यहाँ पर ये प्रोवाइड किया गया है कि नीचे देखो 100 mm का स्पेसिंग लिया गया, इसके ऊपर 200 mm का स्पेसिंग है, उसको टॉप पे 400 mm का स्पेसिंग है। ठीक है,